मसकली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, ग्रीन टी बेहद फायदेमंद होती है, ये बात हम सभी जानते हैं। किसके सेवन से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। रोजाना अगर ग्रीन टी का सेवन किया जाए तो वजन कम होता है और ये डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर सहित कई बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। यही वजह है कि आजकल ज़्यादातर लोग चाय या कॉफ़ी के बजाय ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रीन टी कड़वी होती है, इसीलिए कुछ लोग इसे पीना तो चाहते हैं लेकिन कड़वेपन की वजह से इसे पी नहीं पाते और इसे दूरी बना लेते हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं तो आपको कुछ तरीके, कुछ टिप्स ज़रूर अपनाने चाहिए। जी हाँ, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ग्रीन टी के फ्लेवर को बढ़ा के इसे इंजॉय किया जा सकता है। अगर आप भी ग्रीन टी को टेस्टी बनाना चाहते हैं, इसके फ़ायदे उठाना चाहते हैं, तो आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं किस तरह आप अपनी ग्रीन टी को ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। जी हाँ, गुलाब की पंखुड़ियाँ ग्रीन टी का स्वाद कई गुना बढ़ा सकती हैं। हालांकि बाज़ार में रोज़ ग्रीन टी आसानी से मिलती है, लेकिन वो बेहद महंगी होती है, जो हमारी जेब पर भारी भी पड़ सकती है। ऐसे में अगर आप ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल करें तो आपकी जो ग्रीन टी है वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी, जिससे आप इसे आसानी से पी सकते हैं। बस इसके लिए ग्रीन टी में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें और फिर सुगंध और स्वाद दोनों का लुत्फ उठाएं। अगर आपको ग्रीन टी पीना पसंद नहीं है तो आपको इसमें नींबू का रस डालना चाहिए। नींबू का रस ग्रीन टी का स्वाद बिल्कुल बदल देगा, जिससे आप इसे आसानी से पी पाएंगे। नींबू का रस आपकी टी को सिट्रिक फ्लेवर देगा, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ग्रीन टी का असल स्वाद ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ग्रीन टी का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिन लोगों को ग्रीन टी कड़वी लगती है, उन्हें इसके अरोमा को इंजॉय करना चाहिए। किसी भी चीज़ के अरोमा को अगर आप इंजॉय करते हैं तो इससे हमारी नसों को शांति मिलती है और हम काफ़ी ज़्यादा हल्का और अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे में जब भी आप ग्रीन टी पिए तो इसे पीते वक्त इसे सूंघने की कोशिश करें। शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप ग्रीन टी इंजॉय करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही आपको ग्रीन टी को ज़्यादा बार डिप भी नहीं करना चाहिए। पुदीना और तुलसी का इस्तेमाल खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें कई ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो न सिर्फ इन्हें शरीर के लिए फायदेमंद बनाते हैं, बल्कि इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां जैसे जुकाम, सर्दी, खांसी वगैरह भी ठीक हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप इसका इस्तेमाल ग्रीन टी में करेंगे तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा और आपको ग्रीन टी से ज़्यादा फायदा भी मिल सकेगा। बस आपको करना यह है कि आप ग्रीन टी के लिए पानी गर्म करें, आँच बंद करें। अब इसमें 5 से 6 पुदीना और तुलसियों की पत्तियाँ हाथों से क्रश करके डाल दें। अब ग्रीन टी डिप करें और इसका मज़ा लें। इस ग्रीन टी का स्वाद आपको बेहद मज़ेदार लगेगा। गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है या फिर अगर आपको गुड़ से किसी खास तरह का परहेज़ नहीं है तो आप गुड़ का ग्रीन टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी कड़वी ग्रीन टी मीठी हो जाएगी और आप इसके फ़ायदे भी उठा पाएंगे। हाँ, इस चीज़ का ख्याल करेंगे, आपको गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़े बहुत से काम चला लीजिए। और इसके साथ ही इस चीज़ का भी ख्याल करें कि कभी भी ग्रीन टी में चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है। हाँ, आप चाहें तो शहद का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये जानकारी, आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मसकली को और जुड़े रहें मसकली के साथ। शुक्रिया।